क्या परिस्थिति होगी। एक टूटी हुई खाट होगी, उसके घर में फटी हुई गोदड़ी होगी, उस पर बिठाएंगे, पर वो प्रेम अनंत आएगा। तो आओ उद्धव जी महाराज, चले विदुर जी के यहाँ। ऊंचा ऊंचा महलो दुर्योधन ना, ऊंचा ऊंचा महलो दुर्योधन ना, रति भर सुख जैसे द्वारिकाधीश का रथ पसार हो गया था सवेरे, वैसे ही विदुर काका ने कहा था चलो सुलभा घर चलो। सुलभा माई विदुर काका से बड़ी भक्त थी, याद रखना। विदुर काका के घर भगवान आए, उसमें सबसे बड़ा हाथ सुलभा का है। सुलभा को लेकर जब घर आए तब फिर सुलभा ने कहा कि नाथ एक बार कोशिश तो कीजिए, शायद कन्हैया मान जाए, कहना तेरी चाची तुझे मिलना चाहती है, एक बार आ जा हमारे घर। विदुर काका कहने लगे सुलभा तुझे द्वारिकाधीश पे इतना प्रेम है ना, इसलिए तू कहती है, पर वो कोई अब ग्वाला नहीं रहा, वो द्वारिकाधीश है, उसकी अग्र पूजा होती है, और उसे मैं कैसे इस टूटे फूटे घर में बुलाऊं, तू मुझे कहे तो खरी। क्यों विदुर जी महल में नहीं रहते थे, बस भीष्म पिता को यहां तक कहना पड़ा द्रौपदी को कि मेरे मुंह में दुर्योधन का अनाज था। अरे विदुर काका तो दुर्योधन का एक दाना अनाज भी नहीं खाते थे, गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे ये विदुर काका। सुलभा को कहा सुलभा अपनी कुटिया बंद करो, कुंडी लगाई और दोनों करताल लेकर बैठ गए। आओ भजन करते हैं, हरे कृष्ण चालू कर दिया। फिर भी सुलभा के अंदर तो एक ही चीज चल रही है कि कुछ भी हो जाए आज कृष्ण मेरे घर आए, कुछ भी हो जाए कृष्ण मेरे घर आए। और यहाँ कृष्ण चल पड़े, वो धूप में उस नंगे पांव कृष्ण चले गए, साथ में उद्धव जी है। काका का द्वार आया और देखते हैं काका का द्वार तो बंद पड़ा है। जी फाटल जैन गोदड़ी ने अन टूटल जैन खाटली, फाटल जैन गोदड़ी ने टूटल जैन खाटली, प्रेम के रापन रंग उद्धव जी चालो विदुर भेदे जाई, हलो ने विदुर भेद जाई, उद्धव जी चालो विदुर भेदे जाई। पहनना पादुका पहनना भूल गए हैं, धूप से धरा धगी हुई है, और द्वारिकाधीश खड़े हो गए द्वार पे और आवाज लगाई विदुर काका दरवाजा खोलिए। पर मेरे नाच का नसीब तो देखिए,
उधर में भूख है, काका के घर खाना खाना है। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। ये वो ठाकुर है, अतिशय भूख है अंदर, और खाना भी सुलभा काकी का ही खाना है, चाहे जो भी खिला दे। दरवाजा खटखटाया, काका दरवाजा खोलिए। पर ये तो दोनों भगवान में लीन, भजन चल रहा है, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, कौन सुनता। विदुर काका की आंख से आंसू बह रहे हैं, एक ही चिंतन है कि मेरे नाथ आए हैं तो हमें एक बार दर्शन दे के जाए। यहाँ सुलभा के मन में एक ही बात चल रही है कि मेरे इतने सालों की तपस्या है, एक बार द्वारिका नाथ मुझे दर्शन दे जाए। कभी कुछ न मांगो हे ईश्वर, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे दर्शन दे दे। मैं जी रही हूँ केवल तेरे नाम से जी रही। क्यों सुलभा काकी, क्यों? जब समाचार मिला ना अगले दिन कृष्ण आने वाले हैं, तब कपड़े धो रही थी उस घाट पे, कपड़े धोते धोते किसी ने कह दिया कि कल विष्टि के लिए कृष्ण आ रहे हैं। वो कपड़े ऐसे के ऐसे रह गए थे, और भागकर विदुर काका के पास आकर कहा था कि एक बार मेरे लाला को मेरे घर बुला लो, बस एक बार बुला लो, आप उसे एक क्षण मेरे पास बुलाओ ना, मैं एक क्षण में उसको इतना प्रेम दूंगी वो यशोदा और देवकी दोनों को भूल जाएगा। आप वही भाव के साथ भजन हुए जा रहा है। बार कृष्ण दरवाजा खटखटाते हैं, अरे काका दरवाजा खोलिए, अरे काका मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोलिए। पर यहाँ कौन सुनता। अरे बंटी नो रोट लो ने तांजलिया निभाजी, बंटी नो रोट लो ने तांजलिया निभाजी, रुचि रुचि भोग लगाई उधव से अंदर। एक तो कड़ती हुई धूप, नीचे से गर्मी में पांव सिक गए। देखो इसको कहते हैं भक्त और भगवान। एक बात समझ लो, भक्त संप्रदाय में अगर कोई सबसे बड़ा नाम लेना हो तो आप एक बार विदुर काका और सुलभा काकी का ले सकते हो। साहब सब भक्तों के लिए उन्होंने सुलभता कर दी। आज द्वारिकाधीश को दरवाजे पे खड़ा कर दिया, मानो आज उनको धमकी दे रहे हैं दोनों के नाथ, भक्तों के पास आने में अगर कभी देरी की तुमने तो हम भी भक्त है तुम्हें अपने पास आने नहीं देंगे, दरवाजे से बाहर खड़ा कर देंगे। और ये विदुर काका वाला अनुभव था ना, इसलिए नागर नरसिंह के लिए 52 बार दौड़ दौड़ कर आया था। वो पांव ठीक नहीं रह पा रहे जमीन पे, इतनी गर्म जमीन है। द्वारिकाधीश के आंख से आंसू बहने लगे, कहे काका दरवाजा खोलो, काकी खोलो, मैं द्वारिकाधीश आपका लाला, मैं आया हूं आपके यहां भोजन करने आया। पर भजन कहां मंद हो रहा था, भजन तो चले ही जा रहा था, और ये दोनों भक्त थे। कृष्ण को बड़ा जोर, अब कृष्ण को गुस्सा आने लगा कि मैं कब से कह रहा हूं काका खोल काका खोल, काका खोलने को तैयार नहीं है। हाथ उठाया और यहां भजन को मंद होना और यहां कृष्ण को गुस्सा आना, एक जोरदार हाथ लगाया दरवाजे पर, अरे काकी दरवाजा खोलना, मेरी माँ मुझे भूख लगी है,
जोरदार दरवाजे पे आवाज हुई और विदुर काका के कान तक आवाज गई। विदुर काका ने कहा, देख सुलभा, अपने दरवाजे पे कोई आया लगता है, शायद कोई अपना हो, कोई परिचित हो, जा जरा देख ले। विदुर काका तो ऐसे ही भजन किए जा रहे हैं। सुलभा काकी उठी, दरवाजे की कड़ी खोली और दरवाजा खोला तो बस देखती रह गई। आंख से आंसू बहने लगे, इतने आंसू बहे, ना तो भगवान से कह पाई आप अंदर आओ और ना कुछ कर पाई, बस देखती ही रही। मानो उसके पूरे जीवन की जो आस थी वो पूर्ण हो गई। आज मान ही नहीं पा रही थी कि द्वारिकाधीश मेरे द्वार पर खड़े हैं। सुलभा के आंख में आंसू की धारा है। कन्हैया अपने हाथ से सुलभा काकी को उठाकर ले आया, विदुर काकी के पास बिठाया और खुद पास बैठ गया। और जैसे ही विदुर काका ने देखा, विदुर भी लीन हो गए। अब कन्हैया सोचते हैं भूख लगी है, पर काका और काकी कहाँ खा। सुलभा को तो मानो आज शुद्ध बुद्ध रही ही नहीं। विदुर जी थोड़े स्वस्थ हुए, ठाकुर के सामने जैसे देखा, द्वारिकाधीश के सामने, कहने लगे, काका भूख लगी है, जल्दी कुछ भी खाना खिलाओ, कुछ भी भोजन दीजिए, भोजन करना है काका, मुझे बहुत भूख लगी है। विदुर काका ने सुलभा से कहा, सुलभा देख, कन्हैया को भूख लगी है, मेरे द्वारिकाधीश को कुछ खाना खिलाओ। सुलभा काकी केले ले आई, केले खोलकर गर्भ जमीन पर डाला और छिलका जो था द्वारिकाधीश को दे दिया और द्वारिकाधीश छिलका खाने लगे। देखो, इसको कहते हैं भक्ति मेरे साहब। भक्ति के कारण द्वारिकाधीश केले के छिलके भी खाते हैं। आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, मेरा द्वारिकाधीश तैयार है, पर आपके हृदय में वो बात होनी चाहिए जिसमें सुलभा और विदुर का प्रेम हो, तब मेरा कन्हैया दौड़कर आएगा और आपके घर में सूखी भाजी भी खाएगा साहब।